राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम जानेंगे भीष्म पंचक या पंच भिखु। कार्तिक के अंतिम 5 दिन क्या करें और कैसे करें, स्नान नियम, दीपदान, उद्यापन विधि आदि सभी के बारे में आज हम जानेंगे। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी का हेमलता डेली लाइफ डायरी में हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माह के 5 चमत्कारी दिन यानी कि भीष्म पंचक व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, क्या खाना है, हमें कार्तिक मास का उद्यापन कैसे करना है, इन 5 दिनों को भीष्म पंचक व्रत क्यों कहा जाता है के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। भीष्म पंचक को पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को जो कुछ भी इन 5 दिनों में करते हैं उनका कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं हमें व्रत कैसे करना है। जिन्होंने कार्तिक के पूरे महीने में व्रत किया है तो भीष्म पंचक व्रत जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने कार्तिक के महीने में अभी तक कुछ भी नियम नहीं लिया है तो ये 5 दिन उनके लिए वरदान है। इन 5 दिनों में स्नान दीपदान आदि का नियम कर सकते हैं। पूरे महीने के कार्तिक व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। देव उठने एकादशी पर व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु की पूजा करनी है, पंच भिखु व्रत की कथा सुननी है। आप 5 दिन तक फलाहार व्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, 365 बत्तियां का दीप दान, गंगा स्नान, अन्न का दान आदि कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान में जल में थोड़ा सा गंगा जल, आंवले का रस, आंवले का चूर्ण या फिर थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करें। हर हर गंगे बोले सभी नदियों के नाम बोल सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को इन 5 दिनों में अर्घ अवश्य देना चाहिए। तुलसी माता की पूजा अर्चना करनी है, भीष्म पितामह को अर्घ प्रदान करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करें, दीप दान करना है। देखिए इन 5 दिनों में आप 108 बत्तियां का दीप दान या 365 बत्तियों का दीप दान या 35 बत्तियों का दीप दान भी कर सकते हैं। तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी से भी दीप दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप एक सूखा नारियल ले, उसके 2 हिस्सों में काट ले और इस तरह आपके 2 दीपक तैयार हो जाएंगे। आप इनमें 365 बत्तियां या 108 बत्तियां लगा करके दीप दान कर सकते हैं। आप जो बत्तियां हैं वह घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से भी बनी बनाई ला सकते हैं। एक रुई की बत्ती बनी है तो 365 और एक कच्चे धागे से अगर आप बत्तियां बना रहे हैं तो 365, तो आप उन कच्चे धागों वाली बत्तियों को लेकर के इस तरह से दीप दान कर सकते हैं। आपको इस तरह से 5 नारियल के दीपक लगाने हैं और 5ों में आपको बत्तियां रखनी है, उनका पूजा करनी है। रोली कुमकुम से दीपों की पूजा करें, 2-3 बार पानी लेकर के हाथ घुमाएं दीपक के ऊपर, इस तरह से यह आपका दीप दान हो जाता है। अब जानते हैं कि दीप दान आपको कहाँ करना है। देखिए आप भगवान विष्णु के सामने दीपदान कर सकते हैं, पीपल वृक्ष के लिए भी आप दीपदान कर सकते हैं, या फिर आंवले के पेड़ के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। आकाश दीप जला सकते हैं,
आप यदि गंगा जी जा रहे हैं तो गंगा जी के तट पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। पंचभिखु की पूजा के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। यह दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। एक थाली लीजिएगा, उसमें आप चौमुखी दीपक रखिएगा और दो कटोरी, एक में राई और एक में हरा आंवला या फिर सूखा आंवला भी रख सकते हैं। हरा आंवला अगर आप ले रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर थाली के चारों ओर आपको घुमाना है और यह कुछ लाइनें आपको बोलनी है। सुन नहाई पड़वा नहाई, पंच रत्न पंच तीरथ पंच भिखु नहाई, एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह कर रानी बनकर आई, चार चक्कर चार मक्कर चार दिए की लो, मैं तुमसे पूछ किशन जी कब निसरा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निसरा होए, जब नहाएंगे कार्तिक का महीना तब निसारा होए। इस तरह से आप लाइनें बोल सकते हैं और यह जब पूरी हो जाए तो इसके बाद जो आपके हाथ में राई और आंवला है उसको दीपक की थाली में रख दें। तो इस तरह से आप यह पंचभिखु की पूजा कर सकते हैं। आपको यह एक ही दिन करना है, पहले एकादशी वाले दिन कर सकते हैं या पूर्णमासी के दिन भी कर सकते हैं। यह जो पंचभिखु व्रत है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद भीष्म ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले व्रत का पालन किया था। इस व्रत के महत्व का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। यह व्रत रखने से संयम और सात्विकता आती है। इस व्रत में आपको अन्न का त्याग करना पड़ता है। आप फलाहार ले सकते हैं, दूध दही आदि भी ले सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता, बस इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको अपने इन व्रत का उद्यापन करना है। फिर पड़वा पर चिड़ा चिड़ी की कथा सुनकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करते हैं। पंचभिखु भी इस व्रत में देखिए तर्पण भी किया जाता है। भागवत महापुराण या गीता का पाठ करना चाहिए। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, सुख सम्मान में वृद्धि होती है। जो तर्पण करता है वह भीष्म पितामह के लिए किया जाता है। तो आप इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भीष्म पंचक व्रत इसको क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी कथा आती है, वह मैं आपको सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और पांचों पांडवों को उनके पास लेकर भगवान कृष्ण गए, क्योंकि जो भीष्म पितामह में है वो बाणों की संया पर लेटे हुए थे। जब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर उनके पास गए तो युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह में से राज्य संबंधी उपदेश देने की प्रार्थना की। तब उन्होंने पांच दिनों तक राजधर्म, मोक्ष धर्म, वर्ण धर्म आदि का उपदेश दिया। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे पितामह, मैं आपको जो यह पांच दिनों तक उपदेश दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी स्मृति में मैं यह भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ।
जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग करेंगे, अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। उन्हें पुत्र आदि धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। यह शास्त्रीय प्रमाण है कि इस व्रत का तो यदि आपने अभी तक पूरे कार्तिक महीने में कुछ भी नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे और जब आप स्नान करेंगे तो आपको तारों की छांव में ही स्नान करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह विधि में आपको बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि जो शास्त्रों में वर्णित है वो विधि थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल है। हम गृहस्थ हैं तो उसके लिए यह विधि आसान है। आप इस विधि से भी पंच भिक्षु व्रत कर सकते हैं। तो जितना इन 5 दिनों में मंत्र जाप किया होता है उतना ही हमें लाभ प्राप्त होता है। आकाश दीप भी आपको अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यह जो व्रत है, वैसे तो जो शास्त्रों में लिखा है, निराहार लिखा है कि निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, लेकिन यह संभव सबके लिए नहीं है। तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। तो आप दिन में चाय, दूध आदि ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, और शाम की पूजा के बाद आप भगवान को फलाहार का भोग लगा करके अपना भी व्रत खोल सकते हैं। उद्यापन में आप कार्तिक पूर्णिमा को करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप पंडित पंडिताइन आदि को बुला करके अपने घर में भोजन करा सकते हैं और उन्हीं वस्तुओं का दान दे, छाता, जूते, चप्पल, गर्म कपड़े आदि का दान दे सकते हैं। और जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी जितनी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से दान दक्षिणा दे करके आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप इन 5 दिनों में चाहे तो आप अखंड दीपक प्रज्वलित भी कर सकते हैं। अखंड दीपक जलाकर रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पूर्ण करिएगा और व्रत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब मैं आपको कुछ सरल उपाय बताती हूँ जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। देखिए, जब आप 365 बत्ती का दिया जला रहे हैं या 108 बत्ती का दिया जला रहे हैं तो आप उसके अंदर एक लौंग और थोड़ी सी काली हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिएगा। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक कोई भी दीपदान नहीं किया है तो आपको दीपदान अवश्य करना है। अंधेरे स्थान पर दीप दान का विशेष महत्व होता है। एक तुलसी की जो आप करने वाली माला होती है, आप उसको अपने घर के मंदिर में ही भगवान विष्णु को इन 5 दिनों के लिए पहना दीजिएगा उनके गले में। और 5 दिन तक जब आप अपने मंदिर में विराजमान विष्णु जी के गले में यह माला पहनाएं तो आप मंत्र जाप आदि करेंगे तो यह माला अपने आप अभिमंत्रित हो जाएगी। और 5 दिनों के बाद यदि आप चाहें तो यह तुलसी माला जी खुद भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो अपने मंदिर में आप इनको रख दीजिएगा। इस पर आप बाद में जाप भी कर सकते हैं। आपको इन दिनों में चावल का दान अवश्य करना है। आप एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, इन 5 दिनों में किसी भी दिन चावल का दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आपको तुलसी का पौधा भी दान अवश्य करना चाहिए। आप यदि किसी को दान कर सकते हो तो दान दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में भी इस पौधे को रख कर आ सकते हैं। अब हमें कुछ सावधानियां रखनी हैं। देखिए, इन 5 दिनों में आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना है, भूमि पर शयन करना है। इसके अकाल मृत्यु से बचाव होता है।
आपको बैंगन, करेला, दही, मांसाहार, चावल आदि नहीं खाना है। लाल मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना है। तो यह छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। आपके द्वारा कोई आहत ना हो, आपके मन में वचन और कर्म से सात्विक रहना है, सभी का आदर और सम्मान करना है, पशु पक्षियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य देना है। आप इन छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखिएगा और अपने व्रत को पूर्ण करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।